मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शेयर कर रहे हैं मध्यम लोपी बहुव्रीही समास। तो सबसे पहले हम लोग बहुव्रीही के बारे में समझें, जो दुनिया में यूनिक हो, एक और केवल एक हो, अद्वितीय हो, जिसका तुलना करने वाला कोई नहीं है। मतलब जिसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न उत्तर पद की प्रधानता। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर में एक लंब है और एक उदर है, एक है उदर, तो इसमें न तो लंब की प्रधानता न उत्तर की उदर की प्रधानता। लंब हो गया पूर्व पद, उत्तर और उदर हो गया उत्तर पद। संस्कृत में दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं। इसमें किसी की भी प्रधानता नहीं है, इसमें गणेश भगवान लंबा है उदर, जिसका अर्थार्थ गणेश। न प्रथम पद की प्रधानता, न द्वितीय पद की प्रधानता, बल्कि अन्य किसी तीसरे पद की प्रधानता। तो इसे कहते हम लोग हैं लंबोदर और बहुव्रीही समास। लेकिन यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं आपको, बहुव्रीही का एक प्रकार है मध्यम लोपी। मध्य मने बीच, अलोपी मने लोप होना, बीच वाले पद का लोप हो जाने से। जैसे स्वर्ण निर्मित कंगनम, स्वर्ण निर्मित कंगनम, तो ये बीच वाला पद लोप हो जाएगा, बनेगा स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन। इसको कहते हैं मध्यम लोपी समास। जैसे मान लिया जाए सिंहासन है, सिंह चिन्हित आसनम, सिंह के चिन्ह से बना हुआ आसन, ये बीच वाले पद का लोप हो जाता है, बनता है सिंहासन। ये आपका मध्यम लोपी समास हुआ, बीच वाला पद आपका क्या हो गया, लोप हो गया। उसी प्रकार देखिए मृग नेत्री का मतलब ये हुआ कि मृग के नेत्रों की तरह नेत्र, जिस स्त्री के, कहने का मतलब ये मृग के नेत्रों की तरह नेत्र, सीधे बीच वाला पद लोप होकर मृग और नेत्री आ गया, बीच वाला पद डिस्पेयर्ड हो गया, गायब हो गया, मध्यम लोपी। और देखिए गज बदन, या देखिए क्या इसका विग्रह होगा, गज की तरह वदन, ये बीच वाला पद लोप हो गया, गज बदन, जिसका मुख जो है गज की तरह है, जिसका मुख गज की तरह है, उसे कहते हैं गज बदन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बहुव्रीही का एक प्रकार है मध्यम लोपी समास। इसमें बीच वाले पद लोप हो जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जिस समासिक पद समूह को बनाते हैं उसे मध्यम लोपी समास कहते हैं। और मध्यम लोपी को छोड़कर अगर केवल बहुव्रीही के संदर्भ में आप सोच रहे हैं, जो दुनिया में यूनिक हो, अकेले हो, सिंगल हो, जिसकी तुलना करने वाला कोई नहीं हो, तो बहुव्रीही समास जैसे मान लिया जाए, आप लीजिए श्वेतांबर। अगर श्वेत अंबर केवल कहते हैं तो उजला वस्त्र धारण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो क्रमधारे भी होगा, जो बच्चे हमारे क्रमधारे लिखेंगे बिना विग्रह के उसका भी सही होगा। लेकिन इसको विग्रह करेंगे श्वेतम अम्बरम जस्सा, जिसका उजला वस्त्र है, अर्थात विद्या की देवी सरस्वती। आपके विग्रह पर डिपेंड करता है कि एक ही पद क्रमधारे भी हो सकता है बहुव्रीही, क्रमधारे हो सकता है, लेकिन क्रमधारे बहुव्रीही नहीं होगा। क्रमधारे जैसे मान लिया जाए आप श्वेतांबर, तो श्वेत अम्बरम कर देते हैं, उजला वस्त्र धारण करने वाले बहुत सारे, क्रमधारे भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विग्रह करते श्वेत अम्बरम जस्सा, वह नहीं होगा। आपका पीतम अम्बरम जस्सा, जिसका पीला वस्त्र है, यह हो जाएगा बहुव्रीही। तो विग्रह पर डिपेंड करता है
जैसे दसानन, दस है आनंद जिसके अर्थात बहुबीरी केवल रावण होगा, और जो लिखेंगे आपका कम धार है उसका गलत होगा। लेकिन एग्जामिनर अगर उसको द्विगु समास मानकर अगर साथ देता है, वो एग्जामिनर के मानसिकता पर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, और हमारे सब्सक्राइब में जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।